मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी सम्मेलन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने व्यापारियों को देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए वित्तीय शक्तियों की रीढ़ बताते हुए कहा कि व्यापारी ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत हैं। हरिद्वार में आयोजित हुए व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले व्यापारियों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने की बात कही। इस अवसर पर धामी ने कहा कि व्यापारी देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय शक्तियों की रीढ़ हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापारी ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत हैं। व्यापारी प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाएं। ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है, लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएँ चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएँ चली हैं, विकास के अंदर काम शुरू हुए हैं। भारत का मान सम्मान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है। हम लोग हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं और यहाँ भी आज व्यापारी भाई मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।